हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर सीपी क्लासेस पर। आज की वीडियो में आपसे फिर बात करने वाला हूँ। एक और फ्यूल का प्रिंसिपल है जिसका नाम है एस्प्रिट डी कॉप्स। आज इस प्रिंसिपल की बात करेंगे जो कि फ्यूल ने दिया था। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को बेल के नोटिफिकेशन के साथ और लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। एस्प्रिट डी कॉप्स आखिर ये प्रिंसिपल कहता क्या है? देखिए, एस्प्रिट डी कॉर्प्स का बेसिक जो मीनिंग है वो होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो बेसिकली एक मैनेजर को क्या करना चाहिए? एक मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनके बीच में टीम स्प्रिट डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई वर्ड को हटा देना चाहिए और वी डब्ल्यू ई ये वाला वर्ड उसे इस्तेमाल करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कभी भी मैनेजर को ये नहीं बोलना चाहिए मैं कर दूंगा, मैंने ये सब किया है, बल्कि उसे ये बोलना चाहिए हम सब मिलकर ये काम करेंगे। अगर कोई अचीवमेंट भी आती है तो हम सब ने ये चीज़ अचीव करी है। तो आई वर्ड की जगह वी वर्ड को उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी टीम के अंदर स्प्रिट, उनके अंदर ना काम करने की जो आदत है, जो जान है, वो जिंदा रहेगी उनके अंदर। वो पूरा दिल लगाकर उस काम को करेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट जब आएगा वो सभी लोगों के एफर्ट्स की वजह से होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको टारगेट दिया गया कि भाई तेरे को 200 यूनिट बनानी है और उसके पास जो टीम है, जो ग्रुप है, वो है 10 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों से मिलाकर 200 यूनिट बनानी है। तो उस मैनेजर ने क्या करा, 20-20 यूनिट 10 लोगों के बीच में बांट दी कि हर बंदा 20-20 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। अब एस्प्रिट डी कॉर्प्स के हिसाब से क्या होना चाहिए कि लोगों को अपना जो 20 यूनिट का टारगेट है उस पर फोकस ना करके, यानी कि सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना है, रेदर सारे के सारे 10 लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हमें टोटल मिलाकर 200 यूनिट कंप्लीट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 2-3 लोगों की तबीयत खराब हो जाती है या वो किसी वजह से ऑफिस नहीं आ पाते हैं, तो बाकी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका टारगेट भी वो लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप का टारगेट अचीव करने की, नॉट कि सिर्फ इंडिविजुअल टारगेट अचीव करेंगे और हमें कोई मतलब नहीं है ग्रुप का 200 यूनिट का टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है। तो आई के बारे में बात नहीं करनी, यानी कि मैं ये बात नहीं करनी है, सिर्फ हमें पूरी टीम के बारे में बात करनी है। आई की जगह हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी शब्द का इस्तेमाल करना है। वी विल डू द वर्क, वी विल अचीव द टारगेट, और वी हैव अचीव द टारगेट, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि मैंने किया सिर्फ, ये वाले शब्द इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अब जब आप अपने बिजनेस के अंदर एस्प्रिट डी कॉर्प्स का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े सारे बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ना, वो बहुत प्यारा, बहुत म्यूचुअल ट्रस्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। लोग एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे और पेनल्टी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी बिजनेस मैनेजर को। ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएंगे अचीव करने, वहाँ पर रिसोर्सेज की वेस्टेज कम से कम होगी, लोग खुद मोटिवेट होंगे काम को करने के लिए। और वहीं अगर देखा जाए कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है सपोज बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों के बीच में जब कॉपरेशन ही नहीं है, वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है, तो उस केस में डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन का नुकसान होगा। और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है टीम के बीच में, तो ये कहना बहुत आसान है कि कंपनी में काम पूरा हो ही नहीं पाएगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये था पूरा की पूरा एस्प्रिट डी कॉर्प्स। वीडियो को वापस चला कर देखिएगा, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में कर लिख सकते हैं, मैं वो कन्फ्यूजन आपकी दूर करूँगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।